इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के बापू गांधी नगर में देर रात बीच सड़क पर बर्थडे मनाने के दौरान हाथों में चाकू लहराने वाले 3 आरोपियों को पकड़कर उसी जगह जहां बर्थडे केक काटा गया था, पुलिस ने उसी जगह पर तीनों का जुलूस निकाला। दरअसल इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में धारदार हथियार लेकर घूम रहे 3 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और चाकू के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसी वीडियो के आधार पर अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और लक्की, कुलदीप, गौतम निवासी रविदास नगर के युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से धारदार हथियार भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि युवक एक गैंग के सदस्य हैं और क्षेत्र में आए दिन हुड़दंग मचाते हैं। फिलहाल पुलिस पकड़ाए तीनों युवकों से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ में जुटी हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत ये एक पुलिस की जानकारी मिली थी कि एक बर्थडे केक रात में काट रहे हैं कुछ लोग और उसमें जो है बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसमें चाकू भी लहरा रहे हैं। तो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जो है उनको घेराबंदी की सबको, और उसमें 3 लोग हैं जिन्होंने पकड़ा, वो 3 व्यक्ति चाकू लहरा रहे थे उस बर्थडे के सेलिब्रेशन में। वो तीनों जो है बापू गांधी नगर लसूड़िया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। तीनों के नाम लक्की, कुलदीप परमार और गौतम नायक। अभी तीनों को पुलिस ने 25 आम तक इनके खिलाफ कार्रवाई की है। तीनों से चाकू जब्त किया गया, 25 आम तक की कार्रवाई की गई और इसमें विधिवत आगे उनको माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।